टॉप बेस्ट लैपटॉप फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो यार अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हो, लाइक लॉकडाउन है तो यार सभी स्कूल कॉलेज वगैरह बंद ही हैं, तो यार अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगती है एंड आप लैपटॉप सर्च आउट कर रहे हो एंड अगर आपका बजट 40,000 है, यार इस बजट रेंज की बात करेंगे, 40,000 से नीचे ही लैपटॉप आपको बताने वाला हूँ। तो बात कर लेते हैं नंबर थ्री की बात करूँ, नंबर थ्री पर यार मैंने रखी है MI नोटबुक 14 को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको इतनी बात बता देना चाहता हूँ, इसका डिज़ाइन, इसकी लुक, इसके कलर वगैरह एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी आपको ऊपर देखने को मिल जाती है, प्लस आपको फ्री साथ में वेब कैमरा वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने ऑनलाइन क्लासेज लगानी है आपके लिए बेस्ट है, अगर आपने ऑफलाइन काम करना है, ऑनलाइन काम करना चाहते हो, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पर लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है, आप इस लैपटॉप पर कर सकते हो। अगर आपका बजट 40,000 है आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो यार डिस्प्ले की बात करूँ आपको 14 इंच की फुल HD एंटी ग्लेड डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ i3 10th जनरेशन के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको 2.10 GHz की बेस स्पीड देखने को मिलेगी, प्लस 4.10 GHz की आपको मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाती है। 2 कोर के साथ आता है, प्लस 4 थ्रेड के साथ देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 4 GB रैम मिल जाती है, प्लस 256 GB आपको SSD देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ विंडोज 10 मिल जाती है, प्लस आपको 720p वेब कैमरा साथ में फ्री मिल जाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको इंटेल UHD ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसकी VRAM की बात करूँ आपको 2 GB देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ आपको 38,000 के बजट में MI नोटबुक 14 देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI नोटबुक 14 के, अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना आप जा सकते हो। लेकिन मैं माइनस पॉइंट की बात कर लेता हूँ, माइनस पॉइंट जो है वो इतना देखने को मिलता है, जो कि आपको रैम है, आपको 8 GB तो मिल जाती है लेकिन आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर इसका जो रैम को अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता तो ये लैपटॉप मैं नंबर 2 पर या नंबर 1 पर रख लेता, तो दैट्स वाई मैंने इसको नंबर 3 पर रखा, बिकॉज आपको रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। मैं आपको ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ, इसका एक और वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि i5 10th जनरेशन के साथ देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, 40,000 के बजट से अपर जा सकते हो, वो आपको 42,000 के बजट में या 43,000 के बजट में देखने को मिल जाता है। मैं दोनों के जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपने चेकआउट करने हैं आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, इसका कीबोर्ड बहुत सही है, डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको अपर मिल जाती है, लॉन्ग बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो भाई इसकी बैटरी लाइफ भी आपको सही मिल जाती है, उसके साथ साथ डिज़ाइन लुक वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा अपर है। सो दैट्स वाई मैंने इसको नंबर 3 पर रखा। एंड MI एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, आप आंख बंद करके अगर आपने पैसे लगाने हैं आप जा सकते हो। लेकिन आप ध्यान में रखना कि आपको 8 GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। अभी आगे बात कर लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करूँ, नंबर 2 पे यार मैंने रखी है HP 15 को। तो सबसे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है, उसके बाद ये ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। ब्लैक कलर HP 15 को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो भाई HP भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, ये 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको 4.5 रेटिंग मिल जाती है, पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेंगे। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 है आपको इस बजट रेंज में ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। यह डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेड डिस्प्ले। प्रोसेसर की बातों को i3 11th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। तो यार इसका अगर आपने कंपैरिजन भी करना i5 10th जनरेशन के साथ, तो ज़्यादा का मतलब फर्क वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है। प्लस आपको 2.1 GHz की बेस स्पीड देखने को मिलेगी, प्लस 4.1 GHz की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाती है, 2 कोर के साथ देखने को मिलेगा। स्टोरेज की बातों को 8 GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो 16 GB तक। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें आपको HDD देखने को मिलती है, तो दैट्स वाई मैंने इसको नंबर 2 पर रखा, और कोई भी रीज़न नहीं है। HDD का माइनस पॉइंट ये होता है भी अगर आपको डाटा वगैरह ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है या जल्दी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, इसकी जो स्लो स्पीड होती है वो स्लो होती है, लेकिन SSD की ज़्यादा होती है। इसमें आपको HDD ही देखने को मिलेगी इस बजट रेंज में, अगर आप 5,000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, ये मॉडल में आपको SSD देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडोज 10 मिल जाती है, प्लस MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। VRAM की बात करूँ आपको 4 GB ग्राफिक कार्ड की VRAM देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ आपको 38,000 के बजट में HP 15 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP 15 के, तो भाई अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। लैपटॉप पूरा लोडेड है,
कोई भी माइनस पॉइंट नहीं देखने को मिलता, सिर्फ एक माइनस पॉइंट है जो कि इसमें आपको एच डी डी देखने को मिलती है। अगर इसमें एच डी डी सॉरी ना होती तो मैं इसको नंबर वन पर ही रखने वाला था, बिकॉज स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पूरा लोडेड मिल जाता है। आपको i3 11th जनरेशन मिल जाता है जो कि सच में एक तगड़ा प्रोसेसर है। i3 की ओर से इसके अपर कोई भी प्रोसेसर नहीं देखने को मिलता, मतलब लेटेस्ट प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 से कम है आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको डाटा वगैरह ज़्यादा ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला, बिकॉज आप बहुत पकने वाले हो। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ नंबर वन पे यार मैंने फिर से रखी है HP 15 को, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन अलग है एंड ये सिल्वर कलर में देखने को मिलती है। 2021 मॉडल आपको ये भी देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो, लिंक वगैरह इसका प्रोवाइड किया, बाइंग करना चाहते हो बाय कर सकते हो। अगर आपने खुद ने स्पेसिफिकेशन देखने है लैपटॉप को देखना है आप इस लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो, चेकआउट करने के पैसे नहीं लगते। अभी बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूं इसमें आपको राइजन का प्रोसेसर देखने को मिलता है AMD राइजन 3 के साथ 3250U के साथ जो कि तगड़ा है। 2.6 GHz की बेस स्पीड मिलेगी, 3.5 GHz की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाती है। स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB रैम देखने को मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो 16GB तक, प्लस इसमें आपको SSD देखने को मिलती है। तो भी SSD का बेनिफिट मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आपको डाटा वगैरह ज़्यादा ट्रांसफर करना पड़ता है आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। ग्राफिक कार्ड की बातों को AMD Radeon Vega 6 देखने को मिलेगा। बैटरी की बातों को 12 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 देखने को मिल जाती है, प्लस आपको MS Office भी मिल जाता है 2019 वर्जन। प्राइस की बात करूं इसका प्राइस आपको 34,000 से लेके 37,000 के बजट में ये स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP 15 के, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पिक में आपको 1TB HDD देखने को मिलेगी, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो वो मैंने आपको SSD का दिया हुआ है। यार अभी कंक्लूजन कर लेते हैं कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो भी अगर आपको 8GB रैम मिनिमम है MI नोटबुक 14 अगर आपको पसंद आती है आप उस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, लेकिन आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो भी अगर आपको प्रोसेसर तगड़ा चाहिए तो आप जा सकते हो HP 15 के जो नंबर 2 पर बताया, लेकिन उसमें आपको HDD देखने को मिलती है। अगर आपको डाटा वगैरह ज़्यादा ट्रांसफ़र करना पड़ता है आप बहुत पकने वाले हो, आप उस लैपटॉप की ओर मत जाना। अगर आपको SSD की नीड है, अगर आप डाटा वगैरह ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है कोडिंग करनी है, स्टूडेंट हो पढ़ते हो पढ़ाते हो ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, HP 15 जो नंबर 1 पर बताया आपके लिए परफेक्ट डील होने वाली है। तीनों में लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाती है, डिस्प्ले क्वालिटी तीनों की तगड़ी है, प्रोसेसर वगैरह तीनों में तगड़े देखने को मिल जाते हैं। किसी में आपको SSD मिल जाती है, किसी में आपको HDD देखने को मिल जाती है, एंड किसी में आपको रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो यही डिफरेंस है, ज़्यादातर डिफरेंस जो है वो नहीं देखने को मिलता। तो तीनों में से जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। तीनों के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे गले फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।